नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई तथा आसपास की कुछ खास खबरें। ये शोर, ये गुल और चीखती चिल्लाती महिलाएं और लोगों को इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन है धारावी के 90 फिट रोड संगम गली शिवाजी नगर मुंबई 17 वार्ड 184 जी नॉर्थ। जी हाँ, ये उस बदहाली और बेबसी की तस्वीरें हैं जिन्हें कोई वर्तमान समय में धारावी में देखना नहीं चाहता। कोरोना के संकट काल से उभरी धारावी केवल इसलिए कि धारावी के लोगों ने संयम और सब्र और कानून से काम लिया, लेकिन उनका ये सब्र, धैर्य, संयम उस वक्त जवाब दे गया जब धारावी के नीता बिल्डर ने यहाँ बने सार्वजनिक शौचालय, जो पिछले लगभग 50 वर्षों से बना हुआ था और लोग इसका लाभ ले रहे थे, लेकिन नीता बिल्डर ने इस क्षेत्र में अपने प्रोजेक्ट के तहत इस शौचालय पर निगाहें जमा कर उसको हटाने का मन बना लिया, लेकिन कई सालों से उसका ये प्रयास विफल होता रहा। यहाँ की जनता और मनपा के तत्कालीन अधिकारी बिल्डर के मंसूबों को पूरा नहीं होने दिया और फलस्वरूप शौचालय चलता रहा। वर्ष 2012 में शौचालय का श्रमिक विकास सेवा संघ के प्रयास से MSDP के तहत बनाया और फलस्वरूप विभाग और मनपा ने इसको चलाने के लिए संस्था को अधिकृत कर दिया। तब से शौचालय चल रहा था, लेकिन 25 दिसंबर 2020 को अचानक कुछ अज्ञात लोगों ने आकर शौचालय को जबरन तोड़ना शुरू कर दिया। इसी समय लोग एकत्रित होकर विरोध करने लगे, लेकिन बिल्डर के आदमियों ने शौचालय को देखते देखते ध्वस्त कर दिया। मजेदार बात यह है कि ये मामला न्यायालय में भी विचाराधीन है, जिसमें न्यायालय से स्पष्ट किया है कि 6 मार्च 2021 तक यहाँ शौचालय संस्था को ही देख रेख में रहेगा। गौरतलब हो, मनपा ने कभी कोई नोटिस इस शौचालय को तोड़ने का नहीं दिया और ना ही कभी इसको अवैध माना। बताते हैं कि नीता बिल्डर ने अपने गुरुओं के दम पर जमीन हथियाने के लिए न्यायालय के आदेशों को धता बताते हुए ये शौचालय ध्वस्त कर दिया। मजेदार बात यह है कि स्थानीय पुलिस ने भी बिल्डर के गुर्गे का साथ दिया, क्योंकि जब शिकायत करने संस्था के अध्यक्ष ख्वाजा शेख गए तो पुलिस ने उनको पुलिस स्टेशन में बैठा लिया। गुर्गों ने पुलिस के सामने ही शौचालय तोड़ दिया। ये शौचालय लगभग 2000 घरों के बीच स्थित है, जिसकी लगभग 15,000 की आबादी है। इस शौचालय का लाभ उठाती थी। इस शौचालय के टूटने के बाद यहाँ के रहवासी काफी परेशान हैं, आक्रोश में है, और ना ही स्थानीय प्रशासन और ना ही मनपा के अधिकारी कर्मचारी ने बिल्डर के कार्यस्थानी का विरोध करने आए, जिसके चलते लोगों का आरोप है बिल्डर से सबकी मिली भगत है। अब देखना ये है इस मामले में न्यायालय अपना क्या फैसला सुनाता है और क्षेत्रवासियों को किस तरह की राहत प्रदान करता है। तुम्हारा करारनामा रद्द किया जाता तो हमने कोर्ट में भाग गया। कोर्ट में गए तो कोर्ट ने हमको ऑर्डर दिया कि 6 तारीख 3 महीने 2021 तक आप ही के अंडर में सब रहेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता वहां पे। जब ये कोर्ट ने हमको ये दिया लेटर, तो उसके बाद में उन लोगों को ये हमारी जीत बर्दाश्त नहीं हुई, इसके लिए उन लोगों ने सेटिंग लगा के बीएमसी के किरण सिंह पाटिल, बीएमसी के मदने साहब, इन लोगों का हाथ है इसमें। इन लोगों ने हाजी बब्बू खान जो नगर सेवक है, ये सब मिल के पुलिस के षड्यंत्र के साथ में इन लोगों ने मतलब गुंडे लोगों को लगा के मतलब हमारा टॉयलेट तोड़ने लगे। मतलब बीएमसी का कोई कर्मचारी आपका टॉयलेट तोड़ने नहीं आया? ना बीएमसी का कर्मचारी आया था, ना कोई पुलिस वाला आया था। आपने जब ये इस तरह के बगैर बीएमसी के अधिकारी जो तोड़ने आए थे उनके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट किया? हम जब पुलिस स्टेशन गए कंप्लेंट करने के लिए, तो सीनियर साहब ने मेरे से बात की और मुझे बिठा के रख दिया, बोले। और जबकि मेरे को 4 दिन पहले सीनियर साहब का फोन आया था, अगर टॉयलेट टूटा तो कोई विरोध है? मतलब हाँ सर, मैं भी विरोध करूंगा, वहां की जनता भी विरोध करेगी, क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा पर्याय नहीं है, हम लोग कहाँ जाएंगे टॉयलेट करने के लिए? तो उन्होंने बोला अच्छा आओ। तो मुझे पता था कि मैं जाऊंगा तो मुझे पकड़ लिया जाएगा, इसके लिए मैं गया नहीं। हम लोग कोर्ट गए, कोर्ट से हम लोग ने पेपर लेके आए। पेपर जब लेके हम लोग ने
24 तारीख को हम लोगों ने पेपर लाया, कोर्ट ने हमको दिया, तो उन लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ तो उन्होंने 25 तारीख को तोड़ना चालू किया। शकील नामक कॉन्ट्रेक्टर है जो गुंडागर्दी से वहां तोड़ रहा था, और उसके हाथ के नीचे एक बॉडीगार्ड अबू फजल लड़का है जो काम लेता है, अनधिकृत बांध काम लेता है। इन लोगों ने तोड़ना चालू किया, जब हम लोगों ने विरोध करा तो हमारे अंग पे हम पे हमला किए उन लोगों ने, उसके बावजूद हम लोग डटे रहे। जब ये करे तो उन लोगों ने काम रुका दिया, रुकाया। उसके कुछ देर बाद हाजी बब्बू खान नगर सेवक को जब पब्लिक जाके बुलाई तो हाजी बब्बू खान आए, आने के बाद बोलते तोड़ो बोल के। उसके बाद फिर पब्लिक ने विरोध किया तो काम रुका रहा। लेकिन जब मैं चौकी गया, पुलिस स्टेशन गया, हम लोग गए कंप्लेंट करने के लिए, तो पुलिस स्टेशन में हमको बिठा लिया गया। बिठा के वहां पे पुलिस भेज के डेमोलिशन करा रहे थे। जब वहां की जनता ने, पब्लिक ने ऑब्जेक्शन लिया और पूछी, तो उनसे कहा गया कि अभी वो हीरा को तो अंदर कर दिया, अभी तुम लोग को भी अंदर कर देंगे, किसी ने ऑब्जेक्शन लिया। तो इसके लिए पब्लिक डर गई, मुझे बार बार फोन आ रहा था, पब्लिक हिंसक हो सकती थी वहां पे। लेकिन मैंने सबको बोला कि संयम से काम लो, हमें लड़ना नहीं है, हम लोग जीते हुए लोग हैं। अगर हम लड़ते हैं, उनको मारते हैं या कुछ करते तो हमारी हार हो जाएगी। इसके लिए हम लोगों ने कुछ नहीं किया और उनको तोड़ने दिए हम लोगों ने। नहीं, सवाल ये उठता है कि जब बीएमसी आई नहीं, हाँ, तो प्राइवेट लोग कैसे, उनके खिलाफ अगर पुलिस में भी तुमने नहीं किया, अगर स्थानीय पुलिस नहीं सुनती तो क्या ऊपर की पुलिस पे तुमने कंप्लेंट किया अभी तक? फैक्स, ईमेल, अचानक हुआ ना, इन लोगों ने मौके का फायदा उठाया। 3 दिन छुट्टी है ना, कोर्ट चालू है ना, बीएमसी चालू है, वो हिसाब। लेकिन ऑनलाइन कंप्लेंट तो आप कर ही सकते हैं। मैंने ऑनलाइन कंप्लेंट किया हूं उनकी, ऑनलाइन 1916 पे कंप्लेंट किया हूं। लेकिन वो जो अधिकारियों से उन्होंने बात किया ना, अधिकारी बोलते नहीं ये मतलब जायज है बोले तोड़ना उसका बिल्डर का। जबकि हमको बीएमसी ने नोटिस दी थी ना, तो बीएमसी ने हमसे बोला था कि एसआरए ने हमको नोटिस दिया है, ये टॉयलेट हमको बीएमसी को तोड़ के एसआरए को देने का। तो बीएमसी क्यों नहीं आई तोड़ने के लिए? गुंडे लोग क्यों आके तोड़ रहे थे टॉयलेट को? सवाल ये है कि गुंडे लोग क्यों तोड़ रहे थे? हाँ। दूसरी बात यह है कि आपकी स्टे दिया हुआ है न्यायालय से, लेकिन उसपे 23/3/2021 तक का, और उसके बाद ही आपकी सुनवाई होगी। यदि कोई नोटिस मिलता है तो हाईकोर्ट आपको रिलीफ देगा। बराबर, बिना कोई नोटिस दिए इन लोगों ने आके, ये बिल्डर के गुंडे लोगों ने आके तोड़े। बिल्डर लोग क्या करना चाहते हैं? बिल्डिंग बना रहे हैं कहाँ? वो बिल्डिंग बना रहा है जो बिल्डिंग पूरी तरीके से अनधिकृत है, उसका कोई प्लान, बार बार प्लान चेंज होता है उसका, और वो हमारे टॉयलेट से चिपकी हुई थी। अब मैंने बोला, बार बार बिल्डर परेशान होता है, मैंने उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं किया, मतलब जाने दो उसको, उसका काम करने दो। लेकिन बिल्डर ने ये सब मिली भगत से, उसने बिल्डर ने ये शौचालय हमारा तुड़वाया, श्रमिक विकास सेवा संघ का, और प्लस जो बाजू में लेडी सार्वजनिक शौचालय था वो भी तुड़वा दिया। मेरा बोलना ये है कि हजारों पब्लिक है वहां पे, ये पब्लिक हरने के लिए जाएगी कहाँ? नगर सेवक के घर पे जाएगी, बीएमसी ऑफिस जाएगी, या बिल्डर के घर पे जाएगी? हमको सिर्फ इतना ही चाहिए, हमारा तोड़ने से कोई विरोध नहीं है। हमारा बार बार यही बोलना था बीएमसी को भी, तोड़ने से कोई विरोध नहीं, लेकिन आप एक अल्टरनेट जगह तो दो जहाँ पे हम लोग हक सके जाके। लेकिन बीएमसी ने वो भी नहीं सुना, पैसे के आगे किसी की कुछ नहीं चली। एबी न्यूज में अभी तक की खबरों का सफर करते हैं समाप्त। मेरे पाठक को दीजिए इजाजत, हम फिर मिलते हैं नई खबर नए सफर के साथ। चलते चलते गुजारिश विनती अनुरोध, यदि आपके आसपास कोई समस्या है या कोई घटना घटित हुई है और आप उसे हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आपसे विनती, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार।